हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11, ठीक है, उसका आपको फिजिक्स, जो आपका फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर नंबर 1 जो है, इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम उसका ना क्वेश्चन आंसर देखने वाले, ठीक है, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए सबके सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, ओके। और वीडियो को एंड तक देखो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। या फिर आपको कोई भी अदर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में वो भी लिख कर बता देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए वहाँ वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन आंसर। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि L1M1T-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फोर। तो इसका, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है फोर्स, L1M1T-T इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है फोर्स वो राइट है, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल 1%, द एरर इन द मेजरमेंट ऑन इट्स एरिया इज। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड वो राइट है। आपको नीचे सॉल्यूशन भी बताया गया है, आप लोग देख लो। देखो यहाँ पे बताया गया कि जो एरिया का फॉर्मूला बताया गया, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1% + 1% + इक्वल 2% हो जाएगा, इसीलिए आपका जो 2% ऑप्शन है वो राइट है, ऑप्शन सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डैश। तो यहाँ पे फिल करना है आपको, आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है, डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया था कि डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ। तो आपको फिल करना है, थर्ड ऑप्शन आपका जो है वर्क वो राइट है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, या तो वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा, ओके। पांचवा आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, यानी कि फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो इनमें से कौन है, पहला आपको सीएम दिया गया, दूसरा केजी, तीसरा सेंटीग्रेड और चौथा दिया गया वोल्ट। तो आपका ऑप्शन फोर जो है वोल्ट वो राइट है, ठीक है, ओके। तो आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स तो आते ही एक एक मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्टार ए इज अ फर्दर देन स्टार बी, विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलल एक्स एंगल। तो आपको एंगल्स बताने, पैरेलल है कि नहीं, ला कौन सा लार्ज, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे इस तरह जो डायग्राम दिया गया आपको वो बनाना है, ठीक है। फिर लिखना है पॉइंट नंबर 1, बी इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द टू स्टार थीटा 1/d, राइट। उसी तरह यहाँ पे समझाया गया आपको कि जो थीटा है 1/d है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि एज स्टार ए इज अ फर्दर देन इज दैट डी ए ग्रेटर देन डी बी, ओके। तो यहाँ पे थीटा ए हो जाएगा लेस देन थीटा बी, ओके। और तब हमारा जो आंसर हो जाएगा, हैंस स्टार बी विल बी विल हैव अ लार्जर पैरेलल एक्स एंगल देन स्टार ए, यानी कि जो हमारा स्टार बी होगा वो पैरेलल, मतलब वो लार्जर लार्जर पैरेलल एक्स एंगल हो जाएगा, किससे, स्टार ए से, ओके। तो ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी एल अंडर रूट एल ए एल बाय जी, एल बीइंग द लेंथ एंड जी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका आंसर है, मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना डायमेंशनल फार्मूला जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलिए मैं सकती हूँ आपको। तो आपका सॉल्यूशन है, सबसे पहले डालेंगे क्वांटिटी इक्वल 1 × √L/g, इसको इक्वेशन 1 देंगे। फिर लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा जी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम, यानी टाइम कितने आ जाएगा, टाइम स्क्वायर में आ जाएगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन वन इक्वेशन, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। तो हमारा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा क्वांटिटी इक्वल L√L(t) टाइम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, ठीक है।
फिर अब हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी आएगा एल इंटू, यहाँ पे देखो ठीक है, तो एल व एल वन बाई टू ऊपर आ जाएगा ओके, और यहाँ पे टी स्क्वायर ऐसे टी स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू ठीक है, फिर नीचे बन जाएगा एल वन अप एल इन एल की जो रूट है उसमें आ जाएगा वन अपॉन टू ठीक है हाफ। तो देखो यहाँ पे आपका मेन जो आपको क्वांटिटी का ये बन जाएगा एल इंटू टी वन ठीक है, तो बन जाएगा एल वन टी वन, ये आपका क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ठीक है। और जितने भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दिए गए हैं आपकी फिजिक्स में उसको याद करके रखना, क्योंकि आपको ट्वेल्थ में भी आगे काम आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना रहता है। तो ये आपका मेन आंसर आ गया ठीक है, ये आपका सेकंड का। अब थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड मीन परसेंटेज एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। आपको जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने, रिलेटिव एरर निकालने और मीन परसेंटेज एरर निकालने ठीक है। तो मैं आपको ना आपको यहाँ पे देखो एक दो तीन और चार क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको ना ये फोर मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है ना वहाँ दे सकते हैं, तो थ्री मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रख लो ओके। आपको डिफाइन बोला गया यानी कि डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ेगी है ना, तो सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे डिफाइन एब्सोल्यूट एरर ठीक है, और लिखेंगे आप पॉइंट नंबर वन डालेंगे और लिखेंगे फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ए इन द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी ओके। डेल्टा ए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको एब्सोल्यूट एरर को डिस्क्राइब करता है। अब फॉर्मूला क्या है एब्सोल्यूट एरर का, एब्सोल्यूट एरर इक्वल मॉड में आएगा मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, फिर मोड क्लोज करेंगे आप लोग तो आएगा डेल्टा ए वन इक्वल ए मीन माइनस ए वन, मोड क्लोज सिमिलरली हो जाएगा ए टू ए मीन माइनस ए टू, फिर मोड ऐसी यानी ए एन, यानी जो आपका इसका ये है फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर का, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना डेल्टा ए एन ए माइनस ए एन, तो ए मीन माइनस ए एन। देखो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ए मीन आपको निकालना, यहाँ पे ए वन दिया गया ऑलरेडी ठीक है, तो यहाँ पे ए मीन जो आएगा आपको पहले मीन निकालते हैं आप लोग फिर ए वन जो रहता है उसकी वैल्यू डालते हैं, फिर आपको इसका आंसर मिल जाता है ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड हुआ, अभी कंटिन्यू करेंगे आप लोग ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे का आंसर इसका बताती हूँ मैं। अब यहाँ पर ऊपर लिखेंगे डिफाइन एब्सोल्यूट एरर ओके, तो ऊपर लिखेंगे आप लोग डिफाइन मीन एब्सोल्यूट एरर ओके, और उसके बाद लिखेंगे उसकी यहाँ पे दिए गई है सॉल्यूशन में लिखेंगे कि फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिया गया है ए मीन, अब इसका फॉर्मूला कैसा है देखो समझाती हूँ, आपको वैल्यू दिए रहते ना ए ए वन क्या है टू ए थ्री ए फोर जितने भी, मान लो आपको फोर दिया गया है क्वांटिटी ये आपको ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर दिया गया, तो आप सबकी वैल्यू लिखोगे ऊपर ठीक है। अब उसके बाद जो आपका बाई में आ जाएगा नीचे जो एन दिया गया है ना, देखो कितने नंबर है ए वन एक हो गया ए टू दो हो गया ए थ्री तीन हो गया और ए चार फोर हो गया, यानी चार नंबर्स दिए गए ना आपको, चार क्वांटिटी दी गई है, तो आप यहाँ पे एन की जगह पे फोर दिए हैं तो फोर लिख लेंगे, अगर थ्री दिए होते तो थ्री लिख लेते। तो अब आप इसको कैसे कट करोगे, पहले इन सबको प्लस करोगे ऊपर वाले को, जो वैल्यू आएगा वो नीचे वाला जो नंबर फोर है उससे कट कर दोगे, तो आपका ए डेल्टा ए मीन आ जाता है, समझा ना ठीक है। बस ऐसे ही निकालते हैं और कुछ भी नहीं इसके अंदर, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आपको स्कोर कर सकते हो आप इसमें ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसके बाद अब ये डालोगे आप लोग हेडिंग डिफाइन मीन परसेंटेज एरर, फिर लिखेंगे द रिलेटिव एरर रिप्रेजेंट बाय परसेंटेज इज दैट मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। आपको डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन में लिखना ज़रूरी होता है ठीक है, तो सबकी डेफिनेशन मैं साथ साथ बताई हूँ आपको लिखना है। परसेंटेज एरर में लिखेंगे इक्वल ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100% ठीक है। अब ये कैसे आया आप समझ ही गए होंगे, हमने फर्स्टली क्या देखा एब्सोल्यूट एरर ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर वो आ जाएगा, उसके बाद डेल्टा ए मीन हमने ये निकाला
ऊपर ये आ जाएगा, नीचे ए मीन हम ऑलरेडी एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं वो आ जाएगा, दोनों को कट करो, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर आप इस तरह लिखोगे, पहले ये वाला स्लाइड लिखेंगे फिर ये वाला स्लाइड, ओके ये वाला स्लाइड, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिस्क्राइब व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्थ है उसका आंसर है, पहला पॉइंट डालेंगे आप लोग, सिग्निफिकेंट फिगर होता है आपको डिजिट में बताने देते हैं, अगर आपके टीचर्स ने समझाए होंगे तो ठीक है, वरना मैं इसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगी, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आप लोग ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो पहले पॉइंट में लिखोगे आप लोग, सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम ऑफ रिलेबल डिजिट एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर द सर्टेन प्लस वन एडिशनल डिजिट द फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सेकेंड पॉइंट आएगा, द लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेंड इन अ मेजरमेंट द ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड पॉइंट है, इफ वन यूजेज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ स्मॉलर लीस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इंक्रीजेस। ओके, अब इसके कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर के, तो आप पे लिखेंगे, आप ऊपर लिखेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंस फिगर। पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल इफ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द 178.43 cm³, देयर आर फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट विच आर 1, 7, 8, 4 एंड 3। सेकेंड है, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, एग्जाम्पल एम इक्वल 165.02, जी हैज फाइव सिग्निफिकेंस फिगर डिजिट्स। अब देखो सिग्निफिकेंस फिगर या डिजिट सेम ही होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया भी गया है, अगर नहीं समझो तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है 178.43, तो इसमें आपको डिजिट बताने की कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो राइट है यहाँ पर देखो 1, 7 और 8 3 हो गए, यहाँ पे 4 और ये 5, यानी कि टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है देखो, राइट। वही सेकंड वाले में आपको ये समझाया है कि अगर जहाँ पे जैसे कि ये सब जो आपको कितने 5 नंबर्स दिए गए थे ना, 1, 7, 8, 4, 3 5 नंबर्स हो गए ना, अगर इनके बीच में कहीं जीरो भी होता है तो हम उसको भी काउंट करेंगे, उसको 1 कंसिडर करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया गया है 165.02, तो 1 हो गया 1, 6 हो गया 2, 5 हो गया 3, 0 हो गया 4 और 2 हो गया 1, है ना, तो क्या हो गया मतलब सॉरी 5, तो कितने हैं यहाँ पे, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं देखो यहाँ पे लिखे हैं ना, और यहाँ पे आप काउंटिंग कर लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5 5 है ना, तो यही सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो ये एक दो रूल्स हुए और दो रूल्स और है इसके, तो मैं आपको बताती हूँ वो भी लिख लीजिए, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसके आगे का जो रूल्स है दो मैं वो बताती हूँ। तीसरा रूल है, इफ़ द नंबर इज अ लेस देन 1, द जीरो जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, एग्जाम्पल इन 0.001405 द अंडरलाइंड जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दिस द अबव नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया कि अगर कोई नंबर है आपको, यानी कि 100 अगर इधर दिया गया तो ये तो डिजिट में काउंट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो 0, 1 से पहले अगर आते हैं ये सारे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, काउंटिंग नहीं होंगे, क्योंकि आपको डेसिमल लगा चुका है आगे, इसके लिए ये काउंटिंग में नहीं आएंगे। देखो आपको यहीं पे वही चीज़ समझाया गया। फोर्थ रूल्स है, फोर्थ रूल्स आपको दिया गया है, द ज़ीरो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, बट फॉर दिस द नंबर ऑफ मस्ट बी रिटन विद अ डेसिमल पॉइंट, एग्जाम्पल 1.500 और 0.01500 बोथ हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर ईच। अब देखो आपको यहाँ पर बोला गया यहाँ पर भी कितने हैं, 4 होंगे और यहाँ पर भी 4 होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कैसे, देखो 0 इसके ये तो हमारा, तो ये तो आपको समझा कि जो बाद में 0 रहेंगे वो तो काउंट होते ही है,
एक दो तीन चार, दो देखो वन जो है उसको हम वन नंबर देंगे, फाइव को टू, जीरो को थ्री और एक और जीरो जो उसको फोर, तो इसमें चार नंबर हो गए यानी कि फोर सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए। इसमें भी फोर ही है, क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट जीरो सेकेंड जीरो काउंट नहीं होगा और ये जो है ये काउंट होंगे, इसके लिए ये इसमें भी फोर ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ मेजरमेंट यील्ड्स लेंथ एल गिवन एज अ एल इक्वल 125 मीटर, 125 125 00, ठीक है सेंटीमीटर, ओके 125,000 मिलीमीटर, इट हैज़ ओनली थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट, हाउ, कैसे आया? अब आप लोग सोचो कैसे आया। ठीक है, कैसे आया? देखो यहाँ पे बताया गया है क्या कि है ना, हमें जीरो जो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आ गया। अगर आपने ये वाला जो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड था, जो आपने सही रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ वाला जो है आप वो रूल एक बार ध्यान से पढ़ो, राइट हैंड साइड का बताया गया आपको, तो राइट हैंड साइड का जो ज़ीरो है वो लास्ट ज़ीरो जो रहेगा हम उसको ज़ीरो ज़ीरो में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे देखो जो ज़ीरो दिए गए हैं तो देखो 125 जो है वो काउंट हो जाएंगे, लेकिन एंड के जो थ्री ज़ीरो है मिलीमीटर में जो आया हुआ, ये थ्री ज़ीरो काउंट नहीं होंगे, इसीलिए सिर्फ थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सबसे पहले आप ये लिखोगे ये स्लाइड का, फिर ये स्लाइड का लिख लोगे, ठीक है, थर्ड और फोर्थ रूल्स यहाँ पे दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज़ आर ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बीइंग द मीन एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द ए प्लस माइनस बी क्वेश्चन मार्क, आपको शो करना है। यहाँ पे दिखाया गया शो डैट जेड इक्वल ए अपॉन बी, आपको दिया गया कुछ हिंट समझने के लिए, यहाँ पे दिया गया कि डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन, आपको किस में डालना है, ब्रैकेट में डालना है ए प्लस माइनस बी क्लोज ब्रैकेट, फिर इस डाल के यहाँ पे लिखिएगा ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, फिर आपको शो करना था, ये अपना पूरा लिख दीजिएगा जो आपको शो डेटिव लिखा हुआ था। ठीक है, पहले इतना लिखो, उसके बाद इसके आगे लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे एरर्स इन डिवीजन। ठीक है, सपोज जेड इक्वल ए अपॉन बी एंड मेजर वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस ए बी, तो देन क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस आ जाएगा यानी, और फिर डेल्टा जेड इक्वल हो जाएगा फिर ए उसके ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, फिर अब ब्रैकेट आ जाएगा तो जेड ब्रैकेट ओपन करना है आपको, फिर प्लस वन जो दिखाया हुआ है, फिर प्लस माइनस डेल्टा जेड एंड अपॉन में जेड आ जाएगा, फिर इक्वली जो आपका ये है कैसे डालोगे ए, फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आपको पता होगा, स्क्वायर ब्रैकेट प्लस माइनस फिर इसके अंदर एक और ब्रैकेट लगेगा जो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके फिर बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे बी डालना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर वन डाल के प्लस माइनस, फिर नीचे वाला जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। ओके तो अब आपका आंसर आएगा ए अपॉन बी इंटू वन, जो पूरा ये है ए तो ऑलरेडी ये अलग हो जाएंगे राइट, ये अलग होके यहाँ पे हो गया, फिर इंटू लग जाएगा और बाकी के जो बचे हुए हैं ये पूरा, एक सेकेंड को बताती हूँ, ये यहाँ से ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है इसके आगे का सॉल्यूशन है, ठीक है ये आगे का सॉल्यूशन है, डेल्टा बी इंटू बी हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन वन एक्सपेंडिंग यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है ये पूरा, फिर ये आप ये लाइन लिखोगे, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आपको सारे ईच एंड एवरी लाइन बताया गया है आपको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है तो फिर आप यहाँ तक जब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा तो दिस फोर दी दिस गिव्स फोर पॉसिबल वैल्यूज़ आपको मिलेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड एस। ठीक है फिर आपको एंड में आपको ये मिलेगा मैक्सिमम रिलेटिव एरर, निकलेगा आपका आंसर डेल्टा जेड अपॉन
जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी प्लस बी। ठीक है, तो आंसर आप नीचे लिख दोगे, ये एक लाइन लिखना जो है, एक के दो लाइन जो दिख रहा है आपको, ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पे हाफ एन या एक मार्क्स रहते हैं। तो थस व्हेन टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन एच क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ पर ख़त्म होगा। ठीक है, फिफ्थ वाले का तो मैंने तीन स्लाइड्स आपको दिखाए थे, वो तीनों स्लाइड आप लिखेंगे। मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है। सबसे पहले ये वाला आंसर लिखोगे जहाँ तक बताया था यहाँ तक, राइट। उसके बाद ये वाला स्लाइड लिखोगे, फिर उसके बाद ये वाला स्लाइड लिखोगे, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। आपका सिक्स क्वेश्चन दिया गया है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, हाँ, ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास एम एंड वेलोसिटी वी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपको डायमेंशनल को एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है, डिराइव करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर बताती हूँ। सॉल्यूशन है आपका, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आपका मिलेगा, लेट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एक्स और वी वाई। तो आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल के एम एक्स वी वाई इक्वेशन वन, वेयर के डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे एल टू एम वन टी माइनस टू इक्वल एल ज़ीरो एम वन टी ज़ीरो, यहाँ पे हमने एक्स लिया इसीलिए एक्स यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर भी आएगा। फिर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन है एल वन एम ज़ीरो टी माइनस वन, ये आपको टेकिंग वाई लिए तो हमने यहाँ पे वाई आ गया। तब आपको मिलेगा एल ज़ीरो एम एक्स टी ज़ीरो, ओके, और एल वाई एम ज़ीरो टी माइनस वाई, एल ज़ीरो प्लस वाई एम एक्स प्लस ज़ीरो टी ज़ीरो माइनस वाई। अब आपका मिलेगा आंसर एल टू एम वन टी माइनस टू इक्वल एल वाई एम एक्स टी माइनस वाई, यह होगा आपका इक्वेशन टू। इक्वेटिंग डायमेंशन ऑफ एल एम टी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन टू, जब आप इसको बोथ साइड हमने किया राइट, तो एक्स वन सॉरी एक्स इक्वल वन हो जाएगा एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे इन इक्वेशन में तो वी हैव हमको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल के एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर था सिक्स क्वेश्चन का। ओके, आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में छः क्वेश्चन दिए गए थे, हमने सारे क्वेश्चन के आंसर बना दिए, बता दिया आपको। ठीक है, तो आप एक एक करके आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और आपको कोई अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप वो भी कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो यार हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और इसको आपको पार्ट टू चाहिए होगा वो जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग लिख लीजिए। ये हमारे चैप्टर वन यूनिट्स और मेजरमेंट का पार्ट वन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।